नमस्कार बच्चों, अब आज हम लोग पाठ आठ के सबदर्द से शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सबदर्द, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन MCQ। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने दो दिन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझा, चैप्टर में किसका स्टोरी है, क्या स्टोरी है। अब आज हम लोग इसका सब दर्द से शुरुआत करेंगे, जो कि पेज नंबर 5555 से है। पेज नंबर 5555, इसमें शब्द अर्थ, शब्दार्थ, शब्दार्थ या शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ। तो पहला है प्राचीन, पुराना। प्राचीन का मतलब हुआ बहुत ही पुराना। वर्ष, साल। गुजरना, जाना, निकलना, जैसे हम किसी रास्ते से गुजरते हैं, निकलते हैं, वो गुजरना। मूसलाधार, मोटी धारा, मोटी धारा, बहुत तेजी से जो बारिश होता है उसे मूसलाधार कहते हैं। हम बोलते हैं आज मूसलाधार बारिश हो रही है। तो नेक्स्ट है भविष्यवाणी, आगे होने वाली घटनाओं को बताना, आगे होने वाली घटनाओं को बताना, जो आने वाले समय में जो घटना होने वाला है, जो घटना घटने वाला है, उसे भविष्यवाणी कहते हैं। लाभ, फायदा, मुनाफा, लाभ में फायदा, बेनिफिट। हरियाली, हरा भरा, ग्रीनरी, जब बारिश का मौसम होता है तो चारों तरफ हरियाली होता है, हरा भरा होता है, पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, घास आ जाते हैं, तरह तरह के फूल खिलते हैं, तो ये हरियाली हो गया, जो चारों तरफ देखने में हरा भरा लगता हो। अब हम नीचे अभ्यास में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट स्पीकिंग स्किल, आइए बातचीत करें, बातचीत करना स्पीकिंग स्किल हुआ। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है किसान हल से क्या कर रहा था, किसान हल से क्या कर रहा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसान, आप पहले नोटबुक में ये हेडिंग डालोगे, आइए बातचीत करें, उसके नीचे क में किसान हल से क्या कर रहा था, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रश्न हो गया। अब उसके नीचे हम उत्तर, उसी के नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, फिर डैश डाल के नीचे की लाइन में लिखेंगे किसान हल से खेत की जुताई कर रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार हम नोटबुक में लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है ख, बादलों ने आपस में क्या विचार किया, बादलों ने आपस में क्या विचार किया। तो इसका उत्तर इसके नीचे की लाइन में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसका उत्तर, अगर आपको पता है तो पहले आप बताइए, आप अपने मन में बोलिए, फिर यहाँ देखिएगा। किसान का जवाब सुनकर विभिन्न पक्षों पर बादलों ने विचार किया, बादलों ने आपस में क्या विचार किया,
विभिन्न पक्षों पर बादलों ने विचार किया। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है, बारिश होने के बाद क्या हुआ? बारिश होने के बाद क्या हुआ? तो इसका उत्तर इसके नीचे की लाइन में नोटबुक में लिखोगे, बारिश होने पर नदी नालों में बाढ़ आ गई। बारिश होने पर या तो होने के बाद नदी नालों में बाढ़ आ गई और चारों तरफ हरियाली छा गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आज का ये होमवर्क हो गया हमारा, कहाँ लिखना है? नोटबुक में। ठीक है, और ऊपर ये जो शब्द अर्थ है ये भी होमवर्क हो गया, कहाँ लिखना है? नोटबुक में। तो आज का आपको दो होमवर्क हो गया, एक ये शब्द अर्थ लिखने का और दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखने का। कहाँ लिखना है? नोटबुक में। कहाँ लिखना है? नोटबुक में। ठीक है, अब उसके नीचे है राइटिंग स्किल, उसके नीचे है राइटिंग स्किल। अब लिखा जाए, अब लिखने की प्रैक्टिस करनी है। नीचे है पहला प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो राइट ऑप्शन है उसमें आपको टिक करना है। इसलिए लिखा है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, पंडितों ने कितने वर्षों तक बारिश न होने की भविष्यवाणी की थी? पहले प्रश्न को समझिए, पंडितों ने कितने वर्षों तक बारिश न होने की भविष्यवाणी की थी? इसका ऑप्शन है, पहला 4 वर्षों तक, दूसरा 5 वर्षों तक, तीसरा 6 वर्षों तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप, पंडितों ने कितने वर्षों तक बारिश ना होने की भविष्यवाणी की थी? 5 वर्षों तक। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वन, 5 वर्षों तक। ठीक है, इसमें टिक करना है। हो गया, ये पेज नंबर 55 खत्म हो गया। अब हम लोग पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 में आ जाएंगे। पेज नंबर 56 में है ख, उसी एमसीक्यू का ख, बादलों ने क्या देखा? बादलों ने क्या देखा? तो उसका पहला ऑप्शन है सूखी हुई जमीन, दूसरा है किसान को रोते हुए, तीसरा है किसान को हल चलाते हुए। अब ये कौन सा होगा इसमें से हमारा सही ऑप्शन? किसान को हल चलाते हुए। बादलों ने क्या देखा? किसान को हल चलाते हुए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमसीक्यू कंप्लीट। अब नीचे है, अभी हम इसे स्किप कर देंगे, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए इसे स्किप कर देंगे। ठीक है,
तो हमारा अब इसी में तीसरा प्रश्न है। देखिए, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। हाँ और ना ही बोलना है आपको, लिखना है। तो क में है किसान ने भविष्यवाणी की, इसका क्या होगा, हाँ होगा या ना होगा। ऐसा हमारा जो कहानी था उसमें था, किसानों ने भविष्यवाणी की, नहीं। भविष्यवाणी किसने की थी, पंडितों ने की थी, किसान ने नहीं, पंडितों ने भविष्यवाणी की थी। ठीक है, अब है ख, बादल किसान को काम करते देखते रहे। बादल किसान को काम करते देखते रहे, इसमें क्या आंसर होगा, हाँ या नहीं। क्या बादल किसान को काम करते देखते रहे, हाँ, यस। फिर नीचे है ग, बादलों ने आपस में विचार किया। ऐसा था सेंटेंस हमारा स्टोरी में, हमारे कहानी में, हाँ यस था। चारों तरफ हरियाली छा गई, इसमें भी हाँ। तो अब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, नहीं, हाँ, हाँ। ठीक है, अब कल हम लोग ये जो प्रश्न उत्तर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वो करेंगे और भाषा ज्ञान का जानकारी करेंगे। आज का आपका होमवर्क आपको बता दिए हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ये आपका होमवर्क है, शब्दार्थ पाठ 8 का पेज नंबर 55 से, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो दो होमवर्क आज आपका है। ठीक है बच्चों।